बोल सकते हो वर्ल्ड के टॉप डेंजरस रोड में से एक है। ना ये वाला पहाड़ यहाँ के बाद मैं पहुंच यूपीओ बस स्टैंड। आसमान में रेनबो है ये देखो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। और सुबह के 6:06 हो रहे हैं और दीदी तो वॉक पर से भी आ गई है और मैं अभी जस्ट उठी हूँ। और आज फाइनली हमारा ट्रिप शुरू होने वाला है। पहले फ्रेश हो जाती है थोड़ी देर में, मेरी बस शायद 8:30 आएगी यहाँ से। गुड मॉर्निंग दीदी, सुबह सुबह वॉक से भी आ गई यार। गुड मॉर्निंग, मैं अपने कितने बजे उठ गई थी? 4000 स्टेप्स कंप्लीट करके आ गई। मैं उठ गई थी 5:15। ये बहुत तेज है, हमारे घर में तो नहीं उठती इतनी जल्दी, हमारे घर में तो 9 बजे ही उठती है। पर अभी उठ जाती थी मैं वहाँ भी, बट मैं बिस्तर 9 बजे छोड़ती थी, तब तक बिस्तर में ही लोट पोट होते थे। थोड़ा सा व्लॉग रहता है रात का एडिट करने को, उसको एडिट करती हूँ। आप क्या करोगे मैडम जब तक? आप भी, मैं थोड़ा बहुत अपना आसन प्राणायाम करूँगी। दीदी योगा भी करती है हमेशा। खुद भी उठ गया। बाय विष्णु दी, बाय बाय। ये अम्मा ना कर रहा है, इसको लग रहा है मैं घूमने जा रही हूँ, इसको यहाँ रख रही हूँ। चल ठीक है, बाय बाय बाय। हैव अ सेफ जर्नी। ओके ओके ओके, एंड लॉट्स ऑफ फन। चलो ठीक है, लॉट्स ऑफ एडवेंचर। 8:04 हो रही है और मैं निकल गई हूँ यहाँ से। तो अब मैं पहले आपको बता देती हूँ मैं जा कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ किन्नौर, और पहले किन्नौर जा रही हूँ। अगर बन गया सही सही तो उससे आगे भी जाऊँगी। वैसे मेरी एक फ्रेंड आ रही थी शिमला से, पर ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं आ पाई, मतलब वो 1-2 दिन बाद आएगी शायद। तो तब तक अकेले ही कंटिन्यू करूँगी और किन्नौर तक अकेले कंटिन्यू करूँगी। किन्नौर में डिम्पल है, मेरी बुआ की पोती, और बुआ जी भी किन्नौर में है, तो आज हम उनके यहाँ तक जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से फटाफट से बस लेती हूँ रामपुर के लिए, और फिर रामपुर से आगे पीओ के लिए बस लूँगी, और बने रही है फिर जर्नी में। तो ये पहुँच गई हूँ मैं रामपुर बस स्टैंड। इस वाली बस में मैं आई थी और इस वाली बस में मैं जाऊँगी, वो लगी है शिमला। अभी टाइम है बहुत, 9:30 बस जाएगी, और टाइम भी तो रहा है 9:08 हो रहे हैं, मैं बहुत पहले पहुँच गई हूँ। तो ये है मेरी बस, इस वाली बस में जाना है। चल पड़ते हैं ऊपर, बैग ही बैग में। और ये जो बस में मैं जा रही हूँ ये शिमला से आई है बस, और पीओ जाएगी। तो बस को चलने के लिए अभी टाइम है, तो उससे पहले मैं आपको उस जगह के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मैं जा रही हूँ पीओ, मतलब कि हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर, वो पूरा का पूरा ट्राइबल एरिया है। और किन्नौर किसी पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं है, लेकिन उसका हेड क्वार्टर है रिकांगपिओ में। तो मैं वहाँ जा रही हूँ, और वहाँ के लिए जो रोड है ना वो वन ऑफ द, मतलब डेंजरस रोड बोल सकते हो, वर्ल्ड के टॉप डेंजरस रोड में से एक है। तो आप रास्ते में देख ही लोगे कि ये कैसा कैसा रोड है वहाँ के लिए। और तो अभी मैं थोड़ी देर बाहर आई हूँ, यहाँ से रिवर सतलुज दिख रही है नीचे, तो ये दिख रही है रिवर सतलुज। और हम लोग भी ना रिवर सतलुज के साथ साथ में ही ऊपर को जाते जाएंगे, हाइट की तरफ, किन्नौर की तरफ या पीओ की तरफ। और बीच में बहुत सारे पुल आते हैं, ढांक वाले रोड आते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी सीनरीज आती है। तो अब जब मैं बस में बैठूंगी उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट वही दिखाने वाली हूँ। मैं थोड़ा साइड में आ गई हूँ क्योंकि पीछे बहुत सारे लोग थे, मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी। तो चलते हैं बस की तरफ ही चलते हैं, देखते हैं चलने वाली होगी शायद। यहाँ पर मेरी 2 नंबर पर मेरी सीट है। 4 मिनट और, 9:30 बंद, और बस चल पड़ी। ये देखो यहाँ पे एक लिजर्ड है, दिखा ये लिजर्ड,
और तो अभी हमारी बस रुक गई है लंच के लिए। लंच तो गया, अभी तो 10:30 हो रहे हैं, नहीं 10:40 हो रहे हैं। और ये एक जगह है यहाँ पे किनौरी राजमा, यहाँ रुकती है ये लंच के लिए। वो ऐसी कुछ जगह है किनौरी राजमा, और नाम कुछ और है इसका यार, लिटिल शेफ है हाईवे ढाबा। तो यहाँ पे लंच के लिए रुकी है बस, हम भी चलते हैं अंदर, कितने मस्त जगह है ना। तो हैंड वॉश कर लेते हैं यहाँ पे। अभी तक तो हम शिमला डिस्ट्रिक्ट में है ना, अभी सामने गेट आएगा, हाँ सामने गेट आएगा और फिर हम एंटर करेंगे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये अपनी बस, इसमें लिखा है रिकॉग्निओ, और चलते हैं बस में, चलने वाली है बस। और बादल भी आने लग गए हल्के हल्के, यहाँ लगे सेब का पेड़। आगे अभी जाम लग गया है, काम चला आगे रोड में, तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ लाइन में लगी है। तो सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पहाड़, यहाँ पे काम चला है, तभी जाम लगा, इतना बड़ा गिरा है ऊपर से नीचे को। और ये है दूसरी साइड का ट्रैफिक। Oh,
फाइनली काफ़ी लंबे ट्रैवल के बाद मैं पहुँच UPO बस स्टैंड, और बसेज ही बसेज लगी हैं यहाँ तो यहाँ से थोड़ा ही चल के फिर मुझे डिम्पल मिल जाएगी। और रास्ते में मैंने कैमरा भी ले लिया था अपने फ्रेंड से। तो यहाँ पे बस स्टैंड नीचे को, यहाँ से हम सीधे सीधे जाएंगे आगे। अरे यहाँ तो काफ़ी लोग दिख रहे हैं आज। तो पहुँच गई हूँ मैं रिकॉन्ग्रियो और सीधे जाएंगे मामा जी के कैफे हैं यहाँ पे। वहाँ पे लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ मिलता है, तो पहले वहीं जाएंगे। शायद बुआ जी भी वहीं होंगे, क्या पता। तो मैंने कॉल तो कर दिया था उनको, अब पहले उन्हीं के पास चलते हैं। और मौसम भी अच्छा हो गया बादल से आगे, अब आगे हम बिल्कुल ठंडे एरिया में। मामा जी यहाँ पे, नमस्ते जी। मामा जी कैसे हो आप? कैसे हो? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हैं? कब से पहुंचे आप? अभी जस्ट अभी पहुंच ही रही हूँ। ठीक है ठीक है, जाओ जाओ आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ो, बुआ जी गए। तो यहाँ है मामा जी का कैफे, यहाँ मिल जाता है सब कुछ खाने के लिए। फिलहाल हम यहीं आएंगे पहाड़ी गांड लगे। 35 हो गए और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। तो अब करती हूँ मैं पहले घर कॉल कि मैं पहुँच गई हूँ, और बुआ जी और डिम्पल भी आने वाले होंगे तो उनसे भी मिलेगी अभी। और बहुत खुशी हो रही है यार, किन्नौर मेरी फेवरेट जगह है, आके हमेशा मुझे खुशी होती है। ये आ गई डिम्पल। हाय डिम्पल, व्लॉग को हाई कर लो। अगर आपने पिछले साल के व्लॉग देखे होंगे तो पिछले साल भी यही थी मेरे साथ, इस साल भी यही है मेरे साथ। हाँ, 7-8 सालों तक। क्या पता तेरी जाती पहले। बुआ जी आगे, बुआ जी आगे। तो ये आ गया हमारा लंच और बुआ जी भी आ गए। तो अभी हमारा खान पान हो गया, नीचे यहाँ से खान पान हो गया है। अब मौसम भी थोड़ा बदल गया है, मतलब बादल बादल आ गए हैं। और अब चले हम रूम की तरफ। ए चलिए डिम्पल आगे आगे, ये हमारा रास्ता खतरनाक रास्ता। ये मेरी बुआ की पोती है और हम पहुंच गए हैं रूम। अब करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, फिर 6 बजे के बाद जाएंगे घूमने। थोड़ी देर में निकल जाएंगे घूमने, क्योंकि हम ऐसे हैं जब हम आते हैं हम रुकते ही नहीं है रूम में, हम थोड़ी देर के लिए आते हैं। डिम्पल और मैं पिछली बार भी ऐसे ही थे, पूरा दिन घूमते थे यार हम तो। ये पता नहीं कौन सी मिठाई लाए मामा जी, मतलब डिम्पल के दादू, तो खाने को पता नहीं कौन सी मिठाई है। नाम तो बता, इसका नाम भी नहीं पता। आप लोगों को पता है तो बताना यार। खा लेते हैं, जरा देख लेते हैं। ये तो उसकी तरह है, मिल्क एंड नट टॉफी नहीं होती हुए करवाएगी। अरे क्या सही खाई, मिल्क एंड नट की तरह है, थोड़ा नहीं ज्यादा। तो 5:40 हो रहे शाम के, हमने रेस्ट थोड़ा सही किया और अब हम चल पड़े घूमने। मैंने बोलता हम लोग ज़्यादा टिकते नहीं है, मतलब एक जगह है, हमें चाहिए होता थोड़ा थोड़ी देर बाद, चलो अब यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं। तो हम जा रहे हैं किन्नौर के मार्केट की तरफ, वहाँ नीचे एक जगह मुझे फ़ोटो लेना है, मैं स्पेशल उसके लिए जा रही हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पिछले साल भी फ़ोटो लिया था। और ये इतनी अच्छी गली है चलने के लिए, कोई भी लोग नहीं है और सुनसान है। हाँ, ज़्यादा लोग नहीं है किन्नौर में, तभी मुझे किन्नौर पसंद है। रास्ता एक जैसे ही बोला देखने जैसे लोग आ गए, तो ऐसा कुछ रास्ता है अपना। हाँ गिने चुने, ये वाला पेड़ देखो कितना सुंदर है, पता नहीं कौन से फूल है। यहाँ देखो हमें मिले कुछ वाइट फ्लावर, और ये हमारा रास्ता। और अब आपको व्लॉग में देखने को मिलेगी डिम्पल। कुछ दिनों तक आपको इसी की शक्ल से काम चलाना पड़ेगा। चलेगा ना? चल पड़ेगा। आसमान में कभी रेनबो देखा है? ये देखो चमत्कार। नहीं यार, तो क्लाउड भी कब होते ऐसे कलर के, वो आसमान में रेनबो है। ये देखो कितना यूनिक सा लग रहा है, बीच में रेनबो की लाइट से कुछ तो है। एलियंस तो नहीं आए? है ना, हम दोनों एक जैसा सोचते हैं। ओ जिस चीज के, हां टूटू करो अभी तुम। तो जिस चीज के लिए मैं किन्नौर आती हूँ ना, वो मेरे सामने वो दिखाती हूँ। तो ये वाले पहाड़ जो यहाँ से दिखते हैं, और बिल्कुल आजकल बर्फ ज्यादा है, पिछली बार इतनी बर्फ नहीं थी लेकिन इस बार काफी है। ये देखो किन्नौर में सबसे क्लोज है ये वाले पहाड़, और सामने दिखते हैं बिल्कुल, हर जगह से दिख जाते हैं यहीं पे। और मुझे लेनी है फोटो उस जगह पे। और इस साइड को किन्नौर की मार्केट है,
यहाँ पे गाड़ियाँ रुकी हुई है अभी, पता नहीं जाम लगा, जाम नहीं ट्रैफिक सिग्नल का पास वो करे, वेट करे। तो यहाँ पे लेना है मुझे फोटो, क्योंकि मैंने पिछली बार भी लिया था, और साथ में ही यहाँ पे ये चीज़ है, इसको घुमाते हैं राइट डायरेक्शन में ऐसे, और ऊपर घंटी बजती अगर पूरा घूमेगा ना ऐसे। ये देखो ऊपर घंटी बजेगी अभी, और देख तो घंटी। तो अपना काम तो हो गया है जी, फोटो फोटो का। अब अच्छी अच्छी फोटोज भी आ गई हैं, इंस्टा पर डाल दूंगी, देख लेना। अब कहाँ जा रहे हैं हम? अब जाएंगे रेस्ट हाउस की तरफ, यहाँ से थोड़ा ना जाएंगे, बस में जाना नहीं, यहाँ से तो पैदल चलेंगे। इधर इधर से रास्ता, रास्ता कहाँ से है? अरे मैं वासी हूँ। अच्छा ये किन्नौर की वासी है भाई, जिसको नहीं पता लास्ट ईयर का ब्लॉग देख लेना, तो ये बता देगी अब कहाँ से रास्ता है। ये देखो हमें क्या मिला, एक बिच्छू तो मरा हुआ है। और घूमते घूमते आए हैं बेबी बच्चों के गार्डन में, और यहाँ से पहाड़ बड़े अच्छे दिख रहे हैं, काफी सारे बच्चे यहाँ नीचे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, डिम्पल पीछे झूला झूल रही है, वो देखो इसको, बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, यहाँ नीचे भी लोग खेल रहे बास्केटबॉल, और सामने ये वाले माउंटेन्स दिख रहे हैं, काफ़ी नज़दीक है देखो। तो अभी हम भी थोड़े से खेल लिए, मैं और डिम्पल खेल रहे थे, रैकेट खेले, बैडमिंटन खेला थोड़ा, और अब चलते हैं वापस यहाँ से। तो थक भी गई हूँ यार सुबह ट्रैवल के, अभी घूम फिर लिया, अब नींद सी आ रही है। ओ यहाँ देखो कितने सारे पपीज हैं, और ये सारे सो गए हैं, 1 2 3 4 5 है। डिनर करने आ गए हैं, यहीं पे करेंगे, और मस्त हमें यहाँ पे मिल गए सब्जी चपातियाँ, और फिर चलते हैं रूम की तरफ। और अभी हम लोग आ गए रूम सोने आ गए, मतलब मैं, मुझे काफ़ी थकान हो रही है, तो मैं व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, कल का दिन देखते हैं, कल पीओ में ही होंगे और कुछ लोकल जगह घूम लेंगे। यहाँ पे कोठी माता मंदिर है, वहाँ जाएंगे, एक बौद्ध मंदिर है वहाँ भी जाएंगे, पिछले साल भी गई थी मैं, लेकिन तब ज़्यादा लोग देखते नहीं थे, लेकिन मुझे तो वैसे सेम जगह पर बार बार वापस आना बहुत अच्छा लगता है, तो और भी देखेंगे क्या क्या होता है। तो फिलहाल के लिए आज का व्लॉग करती हूँ यहीं एंड, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर। अनंक बुआ जी यहीं डिनर कर रहे हैं रूम में, ये बहुत शर्माते हैं वीडियो में आने के लिए। जी मैं आज मैं दूंगी अपना पहला ऑटोग्राफ डिम्पल को, ये भी मैंने बोल के दिया कि देखे रखती हूँ, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। गाइस डिम्पल के साइन देख लो, गाइस देख लो, इसके अकाउंट से पैसे निकलवाने हो तो इसके साइन है, फिर भी ठीक है, मेरे को नहीं आते यार साइन करने।